साल 1970 में उमर उर्फ नल्ली भाई सेंट्रल कलकत्ता का किंग था। ईस्ट कलकत्ता का किंग था मानिक सन्याल उर्फ ठुटो जोगा और टॉक्स का किंग मुगल अब्बास उर्फ मिर्ची भाई। पर उनमें से किसी ने भी इतिहास नहीं रचा, ना ही इतिहास को बदला है, सिवाय एक शख्स के, जयदेव सिंह उर्फ चेंगिस। The question is, how did जयदेव become चेंगिस? उसके बाबा पुलिस थे, मामा पुलिस है, ये भी पुलिस बनेगा। अश्वमेध का घोड़ा अकेला दौड़ता है, तो मेरा वही अश्वमेध का घोड़ा है। कैसे हो मामा? इस तरफ बंगाल से यूपी और दूसरी तरफ बांग्लादेश, ये है चेंगिस का एम्पायर। गोल्डन ट्रायंगल से हीरोइन डायरेक्टली हमारे यहाँ आती है थ्रू जयदेव उर्फ चेंगिस। एक सीजन का 5 लाख, एक मैच खेलकर 5 लाख रुपया कमाएगा। ब्रिंग हिम डाउन, जो चाहिए मिलेगा, प्रमोशन, पोस्टिंग। आप और आपका वो डिपार्टमेंट चेंगिस का उखाड़ भी नहीं सकता। पुलिस हो या डिटेक्टिव, बिजनेसमैन, किसके? ड्रग्स। मैं तुमसे झूठ भी बोल सकता था, पर जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है उसे झूठ बोलकर शुरुआत नहीं करना चाहता था। You have failed, Gautam. खुद को भगवान समझने लगा है, मौसम बदलते वक्त नहीं लगता। कलकत्ता शहर की ठंड, गर्मी, बरसात सब हमारे इशारों पर होती है डीसीडी साहब। आपके सामने जो खड़ा है वो जयदेव है, भूल कर भी मुझे चेंगिस बनने पर मजबूर मत कीजिए। बचपन में मैंने अपने परिवार को खोया है इस्पानी, इसलिए परिवार के ना होने का दर्द समझता हूं। फिर से कलकत्ता शहर वैसे ही चलेगा। आज जो देखा वो बस ट्रेलर था, खेल तो अभी भी बाकी है। क्या समझा?